लाल कुआं के अलग अलग जगहों से पकड़ी गई अवैध अंग्रेजी देशी एवं कच्ची शराब को नालियों में बहाया गया। यह सारी कार्यवाही एसडीएम के समक्ष की गई। लाल कुआं के अंतर्गत आने वाली हल्दी चौर चौकी, बिंदु खत्ता चौकी एवं लाल कुआं कोतवाली क्षेत्रों के अलग अलग जगहों से पकड़ी गई अवैध बियर, अंग्रेजी और देशी और कच्ची शराब को एसडीएम के सामने नालियों में बहाया गया। सीओ संगीता ने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर पुलिस को सख्ती बरतते हुए अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए और इस अवैध शराब को बाद में नालियों में बहा दिया जाता है। अधिकांश कच्ची शराब है जो विभिन्न जगह से बरामद की गई है और इसके अलावा कुछ मात्रा में अंग्रेजी शराब भी है जिसका अवैध परिवहन किया जाता है। और यहाँ पे जो टीम है इसमें मैं स्वयं हूँ और सीओ साहब यहाँ पे और अन्य अधिकारी भी उपस्थित हैं। शराब नष्ट की जा रही, पूर्व में हुए मुकदमे जो आबकारी आबकारी अधिनियम के अंतर्गत हैं उन मुकदमों में ये जो माल है उसका निस्तारण किया जा रहा है। ये लगभग 95 मुकदमे थे पुराने जिनका माल निस्तारण आज हो रहा है, जिसमें अधिकतर जो है कच्ची शराब है। कुछ एक दो मामलों में हमारी जो अंग्रेजी शराब है वो बरामद हुई थी, 2-3 पेटी माल है, बाकी एक दो पेटी हमारा जो है देसी जो शराब है मसाले शराब। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।